डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे माइक्रोवेव डायोड्स क्या है माइक्रोवेव डायोड्स आर डायोड डेट वर्क इन द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड माइक्रोवेव डायोड क्या है डायोड है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड करता है और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड का रेंज नॉर्मली कितना होता है 300 सौ मेगा हजार गीगा तक होता है मीन माइक्रोवेव डायोड एक ऐसा डायोड है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है इट इज ए सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइस ये क्या है सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइस है माइक्रोवेव बैंड यूजुअली रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम तीन सौ मेगाहर्स टू तीन हजार गीगाहर्ज माइक्रोवेव बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है 300 सौ से तीन हजार तक ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है जो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी बैंड कितना होता है तो तीन सौ मेगाहर से तीन हजार गीगाहर तक आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इफेक्ट एट द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी कह रहा है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इफेक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का जो है डिस्कवरी हुआ कब शताब्दी के लास्ट में एट द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी माइक्रोवेव सच एज पिन डायोड डायोड की डायोड ट्यूब्स डायोडीन वन आफ्टर एनोदर और इसके बाद क्या हो गया एक के बाद एक कर करके माइक्रोवेव डायोड का आना शुरू हो गया जैसे कि पिन डायोड ये भी क्या है माइक्रोवेव डायोड है भरेक्टर डायोड है स्कॉटकी डायोड है ये सब जो है वन बाई वन करके आना शुरू हो गया माइक्रोवेव डायोड हैव द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल साइज एंड हाई रिलिटी एंड आर यूज इन माइक्रोवेव ऑसिलेशन एम्प्लीफिकेशन फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन स्विचिंग फेस शिफ्टिंग एंड मॉडुलेशन देखिए माइक्रोवेव डायोड का क्या एडवांटेज है तो इसका साइज स्मॉल होता है और हाई रिलिटी होता है इसका बहुत ही अच्छा गुणवत्ता होता है और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है तो माइक्रोवेव ऑसिलेशन में किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए माइक्रोवेव डायोड का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए किया जाता है फेज शिफ्टिंग एंड मॉडुलेशन के लिए यूज किया जाता है तो डिफरेंट डायोड है जिसका डिफरेंट सारा फंक्शन है हम लोग इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे डायोड का माइक्रोवेव डायोड का क्लासिफिकेशन तो देखिए माइक्रोवेव डायोड का क्लासिफिकेशन माइक्रोवेव डायोड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज आपका है पहला क्रिस्टल डायोड एंड स्कॉट की डायोड क्रिस्टल डायोड एंड स्कॉट की डायोड का किसके लिए यूज किया जाता है तो फॉर मिक्सिंग एंड डिटेक्शन मिक्सिंग एंड डिटेक्शन के लिए क्रिस्टल डायोड और स्कॉट की डायोड का यूज किया जाता है दूसरा है पिन डायोड ये सब क्या है माइक्रोवेव डायोड है पिन डायोड का यूज़ किया जाता है फॉर एटोनोमेशन के लिए मॉडुलेशन में यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है फेस शिफ्टिंग एंड लिमिटिंग के लिए पिन डायोड का यूज किया जाता है अगला है भेरेक्टर डायोड भैरेक्टर डायोड का यूज किया जाता है फोर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन पारामेट्रिक एम्प्लीफिकेशन एंड ट्यूनिंग किसके लिए यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है भेरेक्टर डायोड का पारामेट्रिक एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है और ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट है टनल डायोड एंड गन डायोड टनल डायोड एंड गन डायोड का यूज़ जो है ऑसिलेशन के लिए किया जाता किया जाता है ऑसिलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रीड डायोड जिसमें आपका आ जाएगा डायोड, और डायोड तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है तो एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है इम्पेड डायोड का देखिए इमेड का फुल फॉर्म क्या होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलेंचे ट्रांजिट टाइम डायोड या डिवाइस इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलेंचे ट्रांजिट टाइम डायोड ट्रैपेड डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलेंचे ट्रिगर्ड ट्रांजिट डायोड ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलेंचे ट्रिगर्ड ट्रांजिट डायोड बैरियर डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है बैरियर इंजेक्टेड ट्रांजिट टाइम डायोड बैरियर इंजेक्टेड ट्रांजिट टाइम डायोड तो ये आपका डिफरेंट सारा माइक्रोवेव डायोड का टाइप्स है आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा माइक्रोवेव डायोड है जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो माइक्रो डेव डायोड क्या है एक डायोड है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है मींस हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब क्या हो गया नॉर्मली गीगा हर्ज में काम होता है टेन टू डी पावर नाइन गीगा हर्ज क्या हो जाएगा वन गीगा हर्ज इजकॉल टू क्या होता है टेन टू डी पावर नाइन हर्ज तो माइक्रोवेव डिवाइस जो है इसी में है जो है गीगा हर्ज में ही काम करता है देख सकते हैं आप क्लासिफिकेशन डिफरेंट डायोड का जिसका यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पज से तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है जो किसी भी डायोड का दे देगा पूछेगा किसके लिए यूज होता है तो वहां से आप कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच